टीवी के फेमस एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। एक्टर के इस तरह से जाने से हर कोई सदमे में है, खास तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड शहनाज गिल। शहनाज को बहुत बड़ा झटका लगा है। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के दौरान शहनाज को जिसने भी रोते हुए देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस दौरान वो 2 बार बेहोश भी हो गई थी। शहनाज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ अब हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुके हैं। जब से सिद्धार्थ का निधन हुआ है तब से शहनाज बेसुध हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे हुए 4 दिन हो गए हैं लेकिन शहनाज अब भी बस उनकी याद में रोई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज की हालत ठीक नहीं है, वह ना ही ठीक से खा रही हैं और ना ही सो पा रही हैं। शहनाज किसी से भी बात नहीं कर रही और एकदम बेसुध हो गई हैं। हमेशा हंसी मजाक करने वाली शहनाज का ये रूप देख लोग चौंक रहे हैं। पिछले दिनों टीवी के कई सितारे जो शहनाज गिल से मिले थे उनका भी यही कहना है कि शहनाज इस वक्त बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। राहुल महाजन ने बताया था कि शहनाज गिल शमशान आई थी, इतनी जोर से चीखी, मम्मी जी मेरा बच्चा, मम्मी जी मेरा बच्चा। ये जानते हुए कि अब सिद्धार्थ जिंदा नहीं है, वह उनके पैर रब कर रही थी, वह सदमे में है, उन्हें देखकर मैं कांप गया था। आपको बता दें शहनाज गिल हमेशा सिद्धार्थ से प्यार को लेकर खुलकर बात करती थी। वह हमेशा कहती थी कि उन्हें सिद्धार्थ जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वहीं सिद्धार्थ हमेशा शहनाज को अपनी अच्छी दोस्त बताते थे और उनकी मस्ती भरी बातों पर हंसते थे। हालांकि अब ये खबरें आ रही हैं कि शहनाज और सिद्धार्थ दिसंबर में शादी करने वाले थे। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, शहनाज सिद्धार्थ के साथ ही रहती थी। उनके लिए सबसे बड़ा सदमा ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने उनकी गोद में दम तोड़ा। शहनाज ने अपने पिता से रोते हुए भी यही कहा था कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी कि सिद्धार्थ ने मेरी गोद में दम तोड़ा, अब मैं कैसे जीऊंगी। इन दोनों की जोड़ी बिग बॉस 13 से काफी मशहूर हुई थी। करोड़ों फैंस ने उन्हें सिद्धनाज नाम से टैग किया था। आए दिन ट्विटर पर सिद्धनाज का नाम ट्रेंड करता रहता था। सिद्धार्थ और शहनाज जिस तरह की बॉन्डिंग शेयर किया करते थे, बिग बॉस 13 के घर में उनके रिश्ते की शुरुआत शो के बाद भी बरकरार रही थी। शो के अंदर शहनाज कई बार सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार करती थी लेकिन हर बार सिद्धार्थ उन्हें अपना दोस्त बताते हुए नजर आए थे। दोनों ने एक साथ कई प्रोजेक्ट में भी काम किया था, कई म्यूजिक वीडियोस भी साथ में किए थे। सिद्धार्थ के निधन के बाद इन दोनों का म्यूजिक वीडियो भी रिलीज होने वाला है।